हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज की रेसिपी हमारी है डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स को मिक्स करके देसियों की चाइनीज़ डिश बनाएंगे हम। हाँ जी हाँ, चाइनीज़ डिश वैसे तो सभी बनाते हैं, लेकिन आज हम आपको देसी स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंट करके आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो शुरू करते हैं। हमने जी ली है टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, आलू और जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें कट करते हैं। तो कट करने के लिए सबसे पहले हम आलूओं को छील लेंगे और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने आलूओं के छिलका उतार दिया है। कुछ लोग होते हैं कि बिना छिलके के भी पका लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता तरीका, तो इसलिए हमने सबसे पहले इसका बारीक बारीक छिलका उतार लिया है। और ये देखें, अभी एक बाकी है। इसके बाद फिर गाजर की बारी होगी, फिर शिमला की, फिर जैसे जैसे सबकी बारी आती जाएगी तो ये सब वेटिंग में है कि कब हमारी बारी आएगी। तो गाजर अब कट करेंगे। आलू तो छिलका उतार लिया है आलूओं का, तो अब गाजर कटोरी है। तो ये देखिए, इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। कटिंग पे आपकी है, जो आप स्टाइल बनाना चाहें कटिंग का। तो हमें छोटा पसंद है तो हम छोटे स्टाइल में पसंद करते हैं, तो आप अपने बड़े फिंगर टाइप में भी कर सकते हैं। तो ये देखें, कटिंग हो रही है। आलू हमारे छिलके उतरे हुए पड़े हैं, फिर आलूओं की बारी आएगी। तो ये देखें, अब आलूओं जी की फाइनली बारी आ गई है। तो ये कब से बेचारे वेटिंग में थे कि कब हमारी बारी आएगी, तो शुक्र है बारी आ गई। तो ये अभी कटिंग होंगी, कटिंग 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 हो रही है। मैं चन्न सितारे की करण, मैनू इश्क हो गया अखियां दा। तो आलू भी हमने फिंगर चिप्स टाइप की कटिंग की है। आप अगर चाहें तो डिफरेंट शेप में कटिंग कर लें। तो ये कटिंग हो गई है फाइनली, और हरी मिर्च को भी हमने कट कट कर दिया है। तो ये अब हम चलते हैं जी चूल्हे की तरफ। तो हमने फ्लेम मीडियम रखा है, ना ही हाई ना ही लो, मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। पकाए क्या आएंगे, क्या फ्राई करेंगे। आप इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डालिएगा, ये चीज़ें ऐसे ही मिक्स करके फ्राई करनी है। तो घी शामिल कर लिया है हमने और ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है और ये बिल्कुल फ्राई होने वाले हैं। गाजर, आलू और सब्ज मिर्च, ये हम ऐसे ऐसे से इसके चबे चिलाते जाएंगे। बिल्कुल हलवा नहीं बनाना इनका, आराम आराम से ये अब होते जा रहे हैं फ्राई। तो आराम आराम से आप इसको फ्राई करते जाएं। तो आप शामिल करते हैं नमक, मिर्च और जो आपको पसंद हो, धनिया। आप सब्ज धनिया हो तो वो भी अच्छे हैं, साबित धनिया भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें हल्दी भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, और अगर आपको पसंद है मिसाले जो बाजारी मिसाला जाता तो है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन वो ओरिजिनल टेस्ट जो होता है, रियल टेस्ट जो होता है, वो इसका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने तो ओरिजिनल टेस्ट लेना है, तो हमने बिल्कुल ही मिसाले दूसरे इस्तेमाल नहीं किए और ये प्योर मिसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए, फाइनली फाइनली थोड़े 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 थोड़ी लोग आती जा रही है। तो अब हम शिमला मिर्च को कट करेंगे। शिमला मिर्च को आप जिस शेप में कट करना चाहें वो इसमें ही प्यारी लगती है। कुछ लोग राउंड शेप में कट करते हैं, कुछ लोग इसको फिंगर शेप में कट करते हैं और कुछ लोग छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं। तो हम इसे राउंड शेप में बिल्कुल नहीं करेंगे, राउंड शेप जो होते हैं वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे पीसेस। तो हम इसे फिंगर शेप में कट करने हैं। तो देखें, ये कट हो रही है, ये कटी कट 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 हो जाएगी, फिर हम इसको शामिल करेंगे। तो ये देखें, फाइनली ये कट हो गई है। तो दूध हमारा आ गया, तो दूध हम वो निकाल लेते हैं और दूध को भी बॉयल करना है। तो दूध हमने, ये देखिए, माशाल्लाह से हमने पतीले में शामिल कर लिया दूध को। अब हम इसे बॉईल करेंगे, बॉईल करके रख देंगे, फिर चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और मज़े करेंगे और साथ में ये डिश इंजॉय करेंगे। तो शिमला मिर्च हमने शामिल कर लिया और फ्राई कर लिया, थोड़ी थोड़ी फ्राई हो गई है।
और ये देखें 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 कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये देखें, आराम आराम से चम्मच को चलाना है, बिल्कुल ही आराम आराम से, ऐसे एकदम से नहीं, बस छोड़ दें थोड़ा थोड़ा करके। ये दूध भी देख ले कितना प्यारा लग रहा है, वाह मज़ेदार दानेदार। तो अब बारी आती है जी हरी धनिया की, तो आप अगर इसमें शामिल कर रहे हैं ड्राई धनिया तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, वो आप पे है कि आप अगर कौन सी धनिया यूज़ करें। हमने ग्रीन यूज़ करनी है क्योंकि हमारा थीम है, हमारी बिल्कुल